ये है हुंडई की एक्सेंट 2014 मॉडल डीजल वर्जन। अब मैं आपको कहूंगा कि इस पे तीन मिस्त्री फेल हो गए हैं, कंपनी फेल हो गई है, खाली कस्टमर को ये बोल रही है कि सही है गाड़ी। लेकिन मैंने चलाया, मेरे को कमी लगी, गाड़ी चलते 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 एक ही बार फर्र ऐसे आवाज आ रहा है और बहुत बुरा फील होता है, पिकअप टूट जाता है और कंपनी कह रही है कि सही है। ये अब हम डायग्नोस करने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंपनियां कह रही हैं कि सही है, चाहे दो तीन भैया मिस्त्री भाई बोल दिए कि यार गाड़ी सही है, पर गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। कोई ऐसे नहीं टेस्ट कराएगा या फिर कोई ऐसे कस्टमर के पास गाड़ी लेकर नहीं, मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर नहीं आएगा, कुछ कमी है। और मैंने भी गाड़ी चलाई है ना, तो 80-90 पे जाने के बाद से जब हमें बूस्ट चाहिए होता है, वहाँ बूस्ट लीक हो जा रहा है, यानी पिकअप ड्रॉप हो जा रहा है, बहुत माइनर ड्रॉप हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पर बहुत माइनर, एक हल्का सा फरफराने की आवाज़ आ रही है। तो ये सारी कमी को हम फाइंड आउट करेंगे, मुझे भी पता नहीं है मेरे से होगा ये कि नहीं होगा, पर कोशिश करेंगे। आई है, मज़ेदार है, कुछ ना कुछ तो है इंटरेस्टिंग चीज़, तो चेक करेंगे और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। यदि नहीं भी हुई गाड़ी है तो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी गाड़ी, इस बेस पे मैं खुलने जा रहा हूँ। और तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम, मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा भारत से। गाड़ी स्टार्ट करो, एक बार दिखाते हैं पहले, रेस दो जरा, स्लोली रेस देना। माइनर पता पड़ी है एंड में जाके, ये चलाने में ज़्यादा फाइंड आउट होता है जब हम गाड़ी को चलाते हैं ना। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा कि नहीं प्रॉब्लम, पर गाड़ी हम जब चलाते हैं तो उस टाइम में चलते रहती है, एक साउंडलेस रहता है गाड़ी। लेकिन जब 80-90 पे जाता है और मुझे बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मैं चाहता हूँ बहुत थोड़ा इनिशियल पिकअप आए, उस केस में गाड़ी फ्लैट हो जाती है, फेलियर हो जाती है और एक सरसराहट आ जाती है सर ऐसे करके, एक बटई चिरई होती है ना, तो देखेंगे एक ही बार उड़ती है, वो ऐसा करती है गाड़ी फुर। और ये गाड़ी स्विफ्ट में आती है टर्बो की प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं इस गाड़ी को सबसे पहले सारी लाइन ए टू जेड चेक करने वाला हूँ। और टर्बो को खोल रहे हैं, ठीक है, और ले आए कंबल, तो भैया एक आ गए हैं इधर, इधर दिखाओ इनको, कभी भी 2022 में कभी भी जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करो। अब इन भैया ने देखा, इन ये जो है थोड़े सक्षम नहीं है, अब उन्होंने मेरे को बोला कि यार मेरे को एक कंबल उड़वा दो, मेरे बच्चे ओढ़ लेंगे, तो फिर मैंने स्पेशली ये कंबल दे रहा हूँ इनको ताकि ये अपना ओढ़ लें। ठीक है, जाइए खाना भी ना खाएंगे, अभी पैसे भी इनको दिए मैंने, पर फिर भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कंबल के लिए, तो मैंने खरीद के दे दी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे ऐसे लोग हैं तो यदि सहायता कर सकते हैं तो कीजिए। ये मैसेज बनाने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये इंटेंशन ये है कि आप भी सहायक लोगों के लिए सहायता कीजिए। नमस्कार जी, चलो स्टार्ट करो, रेस दो। जब हम यहाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टर्बो कंप्रेस तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्रेस जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो मुझे इसके एक्चुएटर को एक बार चेक करना पड़ेगा। एक्चुएटर चेक करो जरा, काम कर रहा है कि नहीं। ये टर्बो का एक्चुएटर है, ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो भी ऐसी दिक्कतें आएगी। ये देखो टर्बो का एक्चुएटर, ये देखो, ये एक्चुएटर ऑपरेट करने के लिए एक वैक्यूम मॉड्यूलेटर लगाया गया, ये रेस देना जरा। अभी जो सांसें आ रही है इसी चीज में हम बात करते हैं। वैक्यूम मॉड्यूलेटर प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है,
भाई जो मॉड्यूलेटर प्रॉपर काम कर रहा है, ये वाला बहुत माइनर कमी है इसके अंदर। एक बार ये पाइप निकालो, टर्बो को चेक करो, जाम तो नहीं है। हटाओ जरा पाइप, पाइप पहले चेक करो कहीं से लीकेज तो ना पाइप में, फटाफट तो नहीं है, चेक करो रवि कैसे, बिल्कुल फटाफट दो मिनट में चेक करके बताओ। मैं चेक करता हूँ टर्बो को कि टर्बो की क्या कहानी है। बहुत माइनर प्ले है यार, पर इतने से होगा नहीं। तो आजा भाई आजा, चलो स्टार्ट करो जरा। स्टार्ट बंद, भाई टर्बो तो नीचे से अभी फिलहाल ठीक लग रही है, टूटी उटी ना, जाम भी नहीं है कोई। क्या तुमको पाइप में क्या निकला? नहीं सही है, पाइप ओके है तो पाइप ओके, तो बम्पर उतारो भाई, ए बम्पर खोलो जल्दी से। पाइप ओके है, ये ओके है, एक्चुएटर ओके है, मॉड्यूलेटर ओके है, टर्बो आपका बिल्कुल जाम नहीं है, तो फिर इसको खोलो। इंटरकूलर की लाइन चेक करो, इंटरकूलर का कोई लाइन क्रैक है या टूटा हुआ है? और एक मेरे को डाउट और जा रहा था इधर, आइए ये देख सकते हैं, घिसा हुआ था तो मुझे डाउट जा रहा था, मैं हो सकता है ये घिसा हुआ काम ना कर रहा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, घिसा इतना भी नहीं है कि सुराख हो जाए, तो ये भी फिलहाल सही है। बम्पर को उतारो जरा भाई, हमने बम्पर उतार दिए ठीक है, और पास में ले जाओ जरा, इसकी डैमेज को चेक करना है कि कहीं से डैमेज तो नहीं है इंटरकूलर, क्योंकि ये डैमेज रहेगा तभी भी प्रॉब्लम करेगी। ऐसे तो टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा कहीं भी, आ जाओ इधर आओ। ये पाइप ये कैसा ऑयल ऑयल आ रहा भी, रे इसको खोलना जरा, इसको खोल, ये कुछ ऑयल ऑयल सा दिखा रहा है, ये किधर से आ रहा है, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है ऑयल आने का भाई, इधर कैसे आ सकता है। पाइप भी सूखा सूखा सा लग रहा है यार, कोई लीकेज है इधर ही, इसको खोलो। अब पास में लेके आ भाई, ये तो ये लीक करेगा, लेकिन इसमें तो पानी है यार, इसको हटाओ। एक कुछ लीकेज भी है इधर से, इधर दिखाओ, लेकिन हमारे तो पाइप मेन चीज है ना, कि इधर से इधर पूरा दिखाओ जरा, कहीं से लीकेज वीकेज नहीं दिखाई दे रही है इंटरकूलर में। एक बार गाड़ी स्टार्ट करो, यहाँ कुछ डाउट हो रहा है मेरे को यार, क्योंकि ऑयल आ रहा है तो ऑयल यहाँ कोई चांस ही नहीं है, हेडलाइट से आया नहीं चांस, बैटरी लीकेज होगा तो बैटरी का अलग होगा, ये काला काला तेल कहाँ से आ रहा है यार, ये गड़बड़ है, कुछ कुछ गड़बड़ है, और ये तो ना लीकेज है, ये भी ना दिखाई दे रहा है यार, और यहाँ ये ऑयल आ रहा है इसमें, लेकिन ये सूखा पाइप, ये गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके ये देखो कहीं से लीकेज तो ना है पाइप में, कुछ गड़बड़ है यार। ये मुझे लग रहा है ये पाइप फट रहा है, ऐसा लग रहा है। रवि इधर आओ, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी जरा गाड़ी स्टार्ट करो, ये मुझे लग रहा है पाइप फट रहा है, ये गड़बड़ है, कारण यही है इतना तेल नहीं आता, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इधर तेल चलता नहीं है। बस भाई इधर पाइप फट रहा है, और सच में ये कोई नहीं पकड़ सकता, रेस दो जरा, बाहर रुक जाओ, अब कैसे लोगों को चेक करा यार, रुको चलो रेस दो जरा, इधर कोई पंखा नहीं है, पंखा उधर है दिखाओ, बोरा पंखा, पंखा चल भी नहीं रहा है, पाइप को खोलो, ये पाइप में कमी है, दिखाओ दूर करो, बंद बंद करो भाई, अभी चोर पकड़ा गया, ये लीकेज था, मेरे को डाउट हो रहा कुछ गड़बड़ है यार, अभी देखो बहुत माइनर लीकेज है, अरे पाइप में लीकेज है, ऊपर से पाइप कोई देख के बता नहीं सकता, इसलिए क्योंकि हाथ ही नहीं लगा रहे इधर, जानना ही नहीं चाहते हैं कि क्या है, ये पाइप में कमी है, अभी मैं पाइप खुलवा के कन्फर्म करता हूँ, अभी तो मेरे को कमी दिख रही है, अरे खोलो जरा पाइप खोलो,
भाई कंपनी क्यों फेल हो रही है, चाहे कोई भी बंदे क्यों फेल हो रहा है, पास में आओ जरा आओ। अब ये देखो ऊपर से बिल्कुल सेट, ऊपर से बिल्कुल सेट, ऊपर से बिल्कुल सेट, कहीं से भी ऑयल दिखाई नहीं दे रहा ना। अब मैं ऐसे मार रहा हूँ तो मेरे को देखो यहाँ ऑयल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्लिक करने वाला ऑटोमेटिक डिटेक्शन है। लेकिन ये देखो ये पाइप फट रहा है, और ये पाइप फट रहा है, इतना कम फट रहा है कि इसकी वजह से तेल फेंक रही है सारा। देखो अभी साफ ऑफ नहीं किया मैंने, देखो आप ऐसे देख सकते हो कि धूल धक्कड़ है, यार ये डायरेक्शन कैसे लगा हुआ है, ऐसे इस डायरेक्शन में ये पाइप सूखा दिखाई दे रहा है, ये सूखा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे कोई फेलियर हो जाएगा, अब ये चीजें क्रेक है कैसे पता पड़ेगी, ये पूरा ऑयल ऑयल जा रहा है, ऑयल का कोई काम नहीं है। थोड़ा कैमरा हल्का सा दूर करो, देखो इतना दूर ये ऑयल का कोई काम नहीं है, खाली इंजन इधर है, हमारा जो भी ऑयल चलेगा इंजन से चलेगा, और ऑयल इसमें थोड़ा बहुत आते हैं, थोड़ा बहुत ऑयल इसमें आता। अब कहीं से लीकेज रहेगा तो ऑयल मारेगा दबा के, और वो ऑयल हेडलाइट में जा रहा है, इधर ऑयल का कोई काम नहीं है, फिर भी ऑयल है। तो मेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ कि यार ऑयल कैसे है, है? और ये पूरा पैक रहता है इसलिए दिखाई नहीं देता, कोई भी जब तक घुसेगा नहीं तब तक फोल्ट नहीं पकड़ सकता। शायद बाहर से देख के सब लोगों ने कहा होगा, या जैक उठा के नीचे से पाइप चेक करके कहा होगा कि सही है सही है, कंपनी भी घुसी नहीं होगी, यदि घुसती तो भी फोल्ट पकड़ लेती है, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत माइनर है। अब माइनर समझ के हम इसको इग्नोर करते जा रहे हैं, यदि हम इसको सीरियसली लें तो कोई फोल्ट ऐसा कैसे है कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये पाइप है, और फिर पाइप की वजह से रुका हुआ था, और मैंने इस गाड़ी में क्या क्या काम करना है, एक तो 1 लाख वाली मेजर सर्विस करनी है, मेन ये था। मैंने कस्टमर को भी बोला कि पहले मैं इसे करूंगा, पहले फोल्ट पकड़ूंगा तभी आगे का काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। इसका टोटल मैं काम करने वाला हूँ, इसका 2-3 काम कस्टमर ने लिखवाए हैं, मेजर सर्विस है। एक और मजे की बात इधर आओ, ये देखो टर्बो सरसराहट, ठीक है, सस्पेंशन नॉइज, और 1 लाख वाली सर्विस। अब टर्बो जो सरसराहट है, मैंने बोला था ये काम मैं करूंगा तब जाके आगे का ये 2 काम करूंगा, यदि काम ये नहीं हो मेरे से हो पाया, मैं फेल हो गया, तो ये 2 काम मैं नहीं करूंगा, कहीं और आपको जाके करानी पड़ेगी। मैंने पैसे जमा करा लिए हैं काफी, ठीक है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नहीं समझ में आ रहा था, इधर दिखाओ मेरे को, पर आइडिया नहीं था, पर मैंने कोशिश किया, कोशिश में पकड़ा गया, फोल्ट है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे और ये सोच के काम करेंगे कि इस गाड़ी में कमाना ना, तब तक कहीं फोल्ट नहीं मिले। और पता नहीं कस्टमरों को क्या क्या ये लोग एस्टीमेट दे रहे थे, पूरा फुल टर्बो चेंज होगा क्या, ये वो फलाना ढीम का पता नहीं क्या क्या। मैंने भी टर्बो की सरसराहट खाली लिख ली, टर्बो चेंज करने वाला था मैं भी, ये बीट का टर्बो नया डाल रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो हमने कहा इसका भी टर्बो यदि खराब है तो मैं लेके चला जाऊँ, क्योंकि पहले प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं कि क्या है। भाई पाइप तो मिला नहीं, अभी पाइप के लिए लड़का दोबारा से भेजा है, पाइप मिल जाएगा। बाकी स्टेयरिंग ओरिजिनल आ गई, हुंडई की देख सकते हैं, ओरिजिनल हुंडई की स्टेयरिंग, ये सारा हुंडई ओरिजिनल हुंडई के, ये अपना ऑयल फिल्टर, डिस्पैड, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारे ओरिजिनली सब पार्ट डल रहे हैं इसमें, रही ओरिजिनल हुंडई मार्का देख सकते हैं आप, बार कोड भी, ठीक है। तो ये टोटल फिटिंग आ जाती है, बाकी अब पाइप लेके आते हैं, उसके बाद से बाकी काम करता हूँ मैं। न्यू पाइप हमने डाल दी न्यू, और ये पुराना पाइप है जो डेड पड़ा हुआ था, यहाँ से फट रहा था। भाई सर्विस सर्विस कर दी, पाइप डाल दी, अब इसको ट्राई पे लेके चल रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स है ट्राई का। भाई गाड़ी ने मजा ही गाड़ दिया। अरे दोस्त भाई बंद करो, ये लीकेज नहीं है, क्योंकि इधर देखती है कहीं भी ऑयल नहीं आया, लेकिन अब क्रेक हो जाएगा, कभी भी किसी दिन भी फट सकता है, और वो ऐसा ग्रैंड आइटम के साथ फट रहा है, और कंपनी ने भी पकड़ में नहीं आई, तो ऐसे फटता है पाइप। अभी क्रेक हुआ, फिर कुछ दिन में फटेगा, 10 दिन में, तो इससे पहले चेंज कराना होगा। न्यू बदल दी, अब इस पाइप को न्यू बदल दी। हमने कहाँ शक किया था थोड़ा सा कि भैया को रास्ते में परेशानी ना आए, इसके लिए कहाँ था वो फटा हुआ, ये वाला आपको दिखाया था कि सिर्फ इसकी वजह से
हमने चेंज किया, वो भी अभी फटा नहीं है लेकिन फट जाता कभी भी, लेकिन जब खोला पाइप को तो देखो, देख रहे हो ना, इतना से हमने चेंज करने के लिए, इतना देख के चेंज करने के लिए सोचा, और जब निकाला तो ये देखो कितना फटा हुआ। अब आप देख सकते हैं ऐसे यदि हम ध्यान ना दें तो क्या होगा, रास्ते में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, इंजने सीज हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। और ये बहुत ये EGR का मेन पाइप है, कई बार टर्बो शॉर्ट हो जाता है इसकी वजह से, तो ये भी बदलना पड़ता है। और एक्सेंट में सेम कहानी यही थी, फट गया, कंपनी को भी पता नहीं पड़ी, हाथ खड़े कर दिए कंपनी ने।